पूरी दुनिया की मोहमाया को छोड़ करके सन्यासी या फिर संत बनने का फैसला इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि जिनको इस बात का एहसास हो चुका है कि इस मोह माया से परे भी एक अलग दुनिया है, तो उनको सन्यासी बनना ही गवारा है। आप इस वक्त हरिद्वार की पतंजलि योगपीठ में हैं। बाबा रामदेव ने ये प्रतिज्ञा ली है कि साल 2050 तक वो तकरीबन 1000 ऐसे सन्यासियों को देश को समर्पित कर देंगे जो कि देश की आपकी दुनिया की सेवा कर सकेंगे। और आप कह सकते हैं कि इस क्रम में पहला जत्था यानी कि 90 सन्यासियों का जत्था इस दीक्षा ग्राम में है, जहां तकरीबन 100 कुटियां हैं और बाबा रामदेव यहां पर खुद मौजूद हैं, जहां पर वो उन तमाम सन्यासियों को दीक्षा दे रहे हैं। और जो अपने आप में आप कह सकते हैं कि धर्म का ज्ञान होना अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान है। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं और इसके साथ ही हम जानेंगे बाबा रामदेव से कि इतना बड़ा फैसला उन्होंने क्यों लिया है और कैसे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा को वो पूरा करेंगे। तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे मन्ना दमन्ना ध्याया दधे आप अभी कुछ मंत्रों का उच्चारण सुन रहे थे। इन मंत्रों को सुनने मात्र से कहा जाता है कि सत्य की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उस सत्य को एक नया रूप एक नया आयाम देने का काम कर रहे हैं स्वामी रामदेव जी। हरिद्वार में इस वक्त हम उनके दीक्षा आश्रम में हैं, जिसकी कल्पना पता नहीं उन्होंने कब की थी, लेकिन स्वामी जी ये बड़ा ही अद्भुत है। ये जो एक नया आयाम हमने देखा कि आपने अपने आप को सांसारिक जितनी भी मोह माया है उससे भी दूर रखा और अपने परिवार को भी आपने इतना बड़ा इतना एक नए तरीके से बढ़ा लिया। हाँ देखो, कोई गृहस्थ है तो उसको मुश्किल से 5-10 साल में एक दो बच्चे पैदा होते हैं और फिर पूरी जिंदगी उनको पालने पोसने में बड़ा करने में लगा देता है। और मेरे 23 वर्ष हुए हैं सन्यास के और आज सैकड़ों ब्रह्मचारी सैकड़ों सन्यासी तैयार हो रहे हैं। अभी 90 से ज्यादा तो दीक्षा ले रहे हैं सन्यास की और 250 के करीब ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले चुके हैं। ये अब मुझे लगता है 1000 सन्यासी बनाने का जो हमारा संकल्प है कि दोबारा से ऋषि संस्कृति की प्रतिष्ठा हो, अब वो अभियान शुरू हो गया है बड़े रूप। लेकिन कुटुंब को ये इस तरीके से बढ़ाने का या बनाने का ख्याल कब आया आपके? 10 साल पहले से ही चल रहा था ये। 10 साल जो एक पूरी योजना चल रही थी, इनका निर्माण चल रहा था, वो ज्यादा लोगों ने देखा नहीं। जब अब ये दीक्षा हुई तो तब लोगों की निगाह गई है, इसलिए लोगों को पता लगा ये कार्य। तो हमारे पूज्य गुरु जी वो इस कार्य में लगे हुए थे, मैं खुद इसमें लगा हुआ था, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी लगे हुए थे। तो हमने इस कार्य को बहुत गंभीरता प्रामाणिकता और निरंतरता के साथ किया है। ये एक दिन का परिणाम नहीं है, ये एक व्यक्ति को निर्माण करने में कम से कम बड़े होने के बाद 5-10 साल लगते हैं और टोटल व्यक्ति का कालखंड देखा जाए तो एक व्यक्ति को बनाने में कम से कम 25 साल लग जाते हैं। 2050 तक क्या आध्यात्मिक परिवर्तन आप लाना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि 2050 तक भारत विश्व की एक आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बने और उसमें ये सन्यासी एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन शक्तियों की तुलना हम बहुत सारी चीजों से करते हैं, आपका जो इतना विश्वास है और ये जो विश्वास हमारे आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये इनसे कैसे परिवर्तन आ सकता है? मैं एक व्यक्ति हूँ और मैंने भी ऐसे गुरुकुल से अपनी यात्रा शुरू की। एक अनपढ़ माँ बाप के घर में गाँव में पैदा हुआ, ऐसे ही जिस परिवेश में मैं पला बढ़ा उससे भी कहीं सुंदर परिवेश, उससे भी और श्रेष्ठ प्रशिक्षण, श्रेष्ठ गुरुओं का सानिध्य। व्यक्ति के निर्माण में 5 बड़े तत्व होते हैं, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, प्रशिक्षण, प्रशिक्षा का वातावरण। वो पांचों के पांचों तत्व इनको हमने बड़े रूप में दिए जिससे कि इनका व्यक्तित्व पूरा विराट हो सके। शरीर से बलवान हो, मस्तिष्क से प्रज्ञावान हो, हृदय से ये उदार और कृतज्ञ हो और ये पुरुषार्थ और परमार्थ करते हुए बड़े बड़े
आध्यात्मिक साम्राज्य खड़े करें और इस धरती पर दिव्यता का अवतरण करें। स्वामी जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि सन्यासी की राह कैसी होती है कि आपने उनको पक्के मकानों से निकाल करके, अगर ये जो आपने जो कुटिया बना रखी है इसमें भी अगर आपने डाल दिया तो उनको कोई एतराज नहीं है, ये कैसा जादू है ये? देखिए, इसमें ज्यादातर बच्चे बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग और अलग अलग जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पा करके, एमए, पीएचडी आदि करके, माने और यहाँ उनको फिर हमने करवा दी बाकी को। तो ये बहुत कुलीन घरों के सुख सुविधाओं में रहे हुए बच्चे हैं, इन्होंने त्याग को इच्छापूर्वक स्वीकार किया है। जब इच्छापूर्वक को त्याग को स्वीकार करता है ना, तो त्याग से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं होता है। एक माँ भी अपने बच्चों के लिए त्याग करके कितना सुखी अनुभव करती है, एक पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, और कोई एक देशभक्त अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को त्याग करके भी सुख अनुभव करता है। तो त्याग में सुख है, बटोरने में नहीं, बांटने में सुख है। वो ये अनुभव करते हैं जब इस दीक्षा में दीक्षित हो जाते हैं। जिनको आप दीक्षा दे रहे हैं, एक और बड़ी अहम बात जो हमारी जानकारी में आई है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप ब्राह्मण हो या न हो ये जरूरी नहीं है, हर कुल के लोग यहाँ पर आपने शामिल किए हैं, तो ये पूरी परिभाषा बदल गई है। क्योंकि हम तो यही जानते थे कि अगर आप वेद पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि सामने वाला ब्राह्मण होगा, दिमाग में एक इंसानी फितरत ही यही सोच बन चुकी है। सारी फितरत तो सब ठीक कर रहे हैं कि जो वेद पढ़े वो ब्राह्मण, जो योग करे वो योगी, जो दुराचार करे वो दुराचारी, जो चोर करे वो चोरी। तो ये भाई ये तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि वेदों के मंत्र हैं कि आर्यों के लिए, शूद्रों के लिए, मैं तो सबके लिए वेद का ज्ञान दे रहा हूं। तो वेद की वाणी जो भगवान ने वेद में कह रखा उसको तो मान लो, और जब हम सब ईश्वर की संतान, ऋषियों की संतान, एक समान, तब ये कहां ऊंच नीच भेद भावना। स्वामी जी, कहां कहां से लोग आए हैं आपके? देखो, एक तीन बात विशेष है। एक तो स्त्रियों को हमने यज्ञोपवीत और उनको वेद की शिक्षा दी, फिर उनको संन्यास। सब जाति और सारा भारत, और ऐसे योगी जो पलायनवादी नहीं है, भागे हुए नहीं है, जागे हुए, माने गुरुनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और प्रामाणिकता से एक योगी ऋषि को जैसा जीवन जीना चाहिए उसके लिए प्रतिबद्धता। आप देखना, जो सन्यासियों के ऊपर कुछ लोगों ने दाग लगाने की कोशिश की, वो सारे दाग धब्बे धुलेंगे। तो इसके पीछे तो वजह है ना स्वामी जी, स्वामी होना और स्वामी के चोले में होना, इसमें फर्क तो हम लोगों ने कई बार देखा है, तो इसलिए लोगों का विश्वास कई बार उठ जाता है। वो सारा विश्वास जो टूटा, डगमगाया, हिला, उस विश्वास को हम दोबारा खड़ा कर दे। और आप देखना, अब सन्यास की जो दिव्य परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुरूप ये सारे सन्यासी जब हमारे जीवन जिएंगे तो लोग कहेंगे, अभी तो लोग कहते हैं भाई घी हो तो पतंजलि जैसा, टूथपेस्ट हो तो पतंजलि जैसा, आटा हो तो पतंजलि जैसा, दवाई हो तो पतंजलि जैसी, आंवला एलोवेरा हो तो पतंजलि जैसा। अब आगे से लोग कहेंगे कि भाई सन्यासी भी हो तो पतंजलि जैसा, जो वहां वेद शास्त्र उपनिषदों की शिक्षा दीक्षा लेकर के, ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूयासम यत्र ब्रह्म विदो यान्ति दीक्षा तपसा सह पुत्रैष्णा वित्तैष्णा लोकैष्णा मया परित्यक्ता, ऐसे सारी तृष्णाओं, वासनाओं, कामनाओं से, मानवीय दुर्बलताओं, दुर्गुणों, दोषों से जो मुक्त सन्यासी हैं, वो आप देखेंगे। स्वामी जी, ये नए नए प्रयोग, और ये क्योंकि स्वामी और साधु संत तो बहुत है, लेकिन बाबा रामदेव, किसी से एक छोटे बच्चे से भी अगर आप पूछोगे कि बाबा रामदेव को आप पहचानते हैं, वो बिल्कुल पहचानेगा, टीवी पे देखता है, उसने हर जगह देखा। ये स्वामी रामदेव ही इतनी प्रयोग कैसे कर लेते हैं? क्योंकि देखिए, आपके दीक्षा ग्राम में ये प्रयोग ही हम इसे मानेंगे। योग सारी शक्तियों का मूल है। तो जो योग करता है, ओंकार और गायत्री का जप करता है, उसके अंदर भगवान स्वतः ऐसी दिव्य शक्तियां अवतरित करते हैं कि वो जो करेगा वो इतिहास बनेगा, वो नया पथ बनेगा। और मैं चाहता हूं लोग योग के पथ पर आए, वेद के पथ पर आए, और यही हमारे देश का स्वधर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव। तो ये जो हमारा स्वधर्म है, वेद धर्म है, ऋषि धर्म है, इसको निभा रहे हैं, हम निभाते जाएंगे। दीक्षा लेने वाला ही क्या केवल सन्यासी होता है या फिर इसके और भी कई गुण होते हैं? देखिए, दीक्षा लेने वाले के अंदर सारे गुणों का समावेश होता है, वो दीक्षा ही गुणों के लेता है। दीक्षा माने व्रत, संकल्प, एक जो उच्च वैदिक आदर्श हैं, जो जीवन के ऊंचे मूल्य हैं, उनको जीवन में जीना, यही व्रत या दीक्षा है। और जो उसको नहीं जीता वो दीक्षा नहीं, वो तो पाखंड है, हम पाखंड नहीं करते। हजार लोगों की ही संख्या क्यों? देखिए, सन्यासी तो बिरले ही बनेंगे ना,
प्रवृत्ति रेशा भूता नाम साहब। तो भोग के लिए किसी को प्रचार करने की, चार बार कहता था, बोले मुझे कोई उपदेश करने की जरूरत नहीं, मेरे यहाँ तो वैसे ही ग्राहक बहुत हैं। दारू की दुकान के लिए तो लोग मतलब पागल, लोग अपने आप ही चले जाते हैं। गांव देखो, मंदिर गांव के बीच में मिलेगा, और शराब की दुकान जो है वो गांव के बाहर मिलेगी, फिर भी वहां लोग जो है ना दारोड़े पहुंच जाते हैं। स्वामी रामदेव जी, आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने जो आपने अपनी जो एक टीम जो तैयार की है, जो एक परिवार को आपने जो बढ़ाने की जो एक जिम्मेदारी संभाली है, तो अब आपको लगता है कि सचमुच देश में ये बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकते हैं? योग के बंदूक तोप मतलब चिल्लाना डांटना कुछ की भी जरूरत नहीं है, ये अब वो काम करेंगे जिसके बारे में आपने सोचा है? विचारों से नहीं, देखो हथियारों से नहीं, विचारों से क्रांति होगी। तो विचार क्रांति का, अध्यात्म क्रांति का, एक सात्विक क्रांति का सूत्रपात है संन्यास। रामनवमी का ही दिन क्यों चुना आपने? रामनवमी बहुत पवित्र दिन है, भगवान राम जी उस दिन पैदा हुए, मेरा भी नाम रामदेव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में स्वामी रामदेव। देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर वो अपने सारे जो उनके जो शिष्य हैं, जो सन्यासी बनने के राह पर अग्रसर हैं, वहां पर मंत्रों के उच्चारण के साथ में इस पवित्र हवन कुंड, इस अग्नि के साथ में उन्हें ज्ञान भी दिया जाता है और बताया भी जाता है कि जीवन में अब आगे आप किस तरफ बढ़ने वाले हैं। स्वाहा स्वाहा।